हाँ ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ यासिर ऑनलाइन टिप्स। तो दोस्तों ये भी ये जो है ये मेरा चैनल है, ठीक है। और ये चैनल पे अगर आपने अभी तक आके मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैं मेरे चैनल पे आ चुका हूँ और मैंने YouTube पे सर्च करके मेरे चैनल को लाया है। अभी YouTube पे मैंने सर्च किया यासिर ऑनलाइन टिप्स, तो यहाँ पे वो सर्च पैनल में दिखा रहा है, जो कि सर्च पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा। इस पे मैं जब भी टिक करता हूँ जो भी मैंने सर्च किया लिस्ट में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैं एक और चैनल सर्च करता हूँ जो कि है कार्टून नेटवर्क। एग्जाम्पल देख लीजिए कार्टून नेटवर्क के हिसाब से जो भी चीज़ें मैंने सर्च की आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको भी मैं वापस आ गया, ये होम पे टिक किया हूँ, ये होम पे आ गया हूँ वापस अभी टिक करी। अभी मैं वापस सर्च पैनल पे आता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने सर्च करी है ये हिस्ट्री उसकी सेव हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये हिस्ट्री सेव ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है ज़्यादातर लोगों को पता हो लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना भी पता हो। आप जो भी वीडियो यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे कि मैंने ये वीडियो देखा, ये वीडियो चालू हो गई प्ले होना, ओके। प्ले होने के बाद ये जो भी हिस्ट्री है आप लाइब्रेरी में आएंगे और फिर यहाँ पे हिस्ट्री में आएंगे, टिक करेंगे तो ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी आपने क्या देखा है और क्या नहीं देखा है, ठीक है। अभी वो वीडियो मैंने पूरा नहीं देखा इसके लिए वो हिस्ट्री में सेव नहीं हो रही है, अगर मैं वीडियो देखता तो वो हिस्ट्री में शो हो जाती। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हिस्ट्री आपको दिखे नहीं आपने क्या सर्च किया और क्या देखा है, तो उसके लिए आपको इस आइकन पे आना है, ये आइकन जो दिख रहा है इस पे आना है, इस पे आके आप टिक करेंगे। इस पे आने के बाद आपको जो है सेटिंग पे आना है, सेटिंग पे आ गए। सेटिंग पे आने के बाद आप ये जो देख रहे हैं हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, आपको इस पे आना है, इस पे आके आप टिक करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले तो जो भी चीज़ें आपने देखी है उसको आपको क्लियर करना है कि वो दिखे ही नहीं आपने क्या सर्च किया क्या नहीं किया। तो आपको जो है क्लियर हिस्ट्री, क्लियर वॉच हिस्ट्री, ये दोनों आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कर देता हूँ ये, इस पे आके टिक किया क्लियर वॉच हिस्ट्री, इस पे आके टिक किया अगेन, इस पे क्लियर सर्च हिस्ट्री दोनों। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि वो अभी सर्च हिस्ट्री में से चला जाएगा जो भी मैंने सर्च किया। ये होम पे आ गया, वापस होम पे आने के बाद मैंने मैग्नीफायर पे टिक किया, ये रहा मैग्नीफायर मतलब सर्च पैनल, इस पे आके टिक किया। टिक करने के बाद देखिए पूरी सर्च हिस्ट्री चले गई है। वापस अगेन मैं सेटिंग पे आता हूँ, इस पे क्लिक किया, सेटिंग पे आया। सेटिंग पे आने के बाद आप मैं वापस हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे आता हूँ। इस पे आने के बाद अगर मैं इसको पाउस वॉच ट्री और पाउस सर्च ट्री को अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो आप यूट्यूब पे कभी भी कुछ भी सर्च करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो बस आप इसको पाउस पे आप वापस आपको टिक करना है, ये हो गया, ये ऑन हो गई है। या पाउस सर्च हिस्ट्री इसके भी आगे ऑन करना है, पाउस करना है। तो आप यूट्यूब पे अभी कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको जो है ये यहाँ पे जो है वॉच ट्री या सर्च ट्री में सेव नहीं होगा, कोई भी पता नहीं कर सकता आपने क्या देखा है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी ये वीडियो प्ले हो रहा है, ये वीडियो मुझे प्ले करना है, ठीक है। ये वीडियो प्ले हो रहा है, प्ले होने के बाद आप देख सकते हैं इसको पॉज किया। अब प्ले होने के बाद आप देखिए इसको मेरे को बड़ा करना है, तो बड़ा करना है फुल स्क्रीन मतलब, तो आप इस पे आके टिक करते हैं तो ये बड़ा होता है। लेकिन इसका एक और तरीका है जिससे आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इससे आपको सिर्फ और सिर्फ जब वीडियो प्ले हो रही है तो आपको वीडियो पे सिर्फ ऐसा ऊपर, जैसे कि मैं भी लाल निशान करके बताया हूँ, सिर्फ आपको स्लाइड अप करना है, ऐसा स्लाइड अप, तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको बताता हूँ स्लाइड अप करके। जैसे मैंने स्लाइड अप किया हूँ ये फुल स्क्रीन हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये वीडियो अभी प्ले होगी, ये वीडियो प्ले हो रही है, देखिए। अभी अगर मैं इसको स्लाइड डाउन करूँगा इस तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाएगा। चलिए अभी मैं नॉर्मल मोड में करता हूँ, यहाँ पे स्वाइप किया, नीचे किया, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड में आ गया, ठीक है। अभी अगर आपको किसी को ये चीज़ शेयर करनी है तो यहाँ पे जैसे कि सबको पता है यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, इसकी लिंक कॉपी करनी है तो यहाँ पे शेयर पे टिक किया। टिक करने के बाद यहाँ से मैं लिंक कॉपी करके जिसको चाहिए उसको भेज सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये लिंक कॉपी हो गई। जहाँ पे भी व्हाट्सएप में जाके मुझे पेस्ट करना है मैं कर सकता हूँ। इसको मुझे अगर सेव करना है, थ्री डॉट पे टिक किया और सेव पे आके टिक करूँगा तो ये सेव पैनल में सेव हो जाएगा, यहाँ पे आके सेव पे टिक करूँगा तो,
दोस्तों ये एक फ़ीचर है, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन, तो मैंने ये बता दिया आपको, ये डाउनलोड का भी ऑप्शन है। डाउनलोड का ऑप्शन क्या है मालूम है आपको? अगर आपको ये वीडियो ऑफलाइन में देखना है, मतलब कि जब आपके पास इंटरनेट ना हो, जब भी देखना है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको डाउनलोड करने के बाद कभी भी आप देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट, लेकिन एक बार आपको इस पर टिक करके ये वीडियो को पूरा डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डाउनलोड पर टिक करेंगे, ये देखिए क्वालिटी पूछेगा कौन सी क्वालिटी में आपको लेना है। लो क्वालिटी 144, मीडियम 360, और उससे हायर क्वालिटी लेना है तो हमको यूट्यूब प्रीमियम खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस पर मीडियम पर टिक करना है आपको, और डाउनलोड पर टिक करना है इस पर, तो वीडियो ये डाउनलोड हो जाएगी, तो आप इसको ऑफलाइन मतलब विदाउट इंटरनेट भी देख सकते हैं। वो कहाँ आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो ऑप्शन कहाँ पर आता है। वो ऑप्शन होम पे आने के बाद लाइब्रेरी पे आपको आना है। लाइब्रेरी पे आने के बाद आपको ये डाउनलोड वीडियो जो आप देख रहे हैं इस पर आके अगर आके आप टिक करेंगे, तो जो भी वीडियो आपने डाउनलोड किया होगा यूट्यूब की, वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे सॉरी योर मूवीज़ में नहीं, योर डाउनलोड्स में आके ये सब सेव हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी आपने डाउनलोड किया होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने 6:26 पे रखा हूँ, ये पूरी वीडियो हो जाती है 6:29 की। तो दोस्तों जैसे ही वे वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है, दूसरी वीडियो जो है शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 सेकंड में 3 सेकंड में 5 सेकंड में। तो इसको ऑटो प्ले बोलते हैं कि एक वीडियो ख़त्म हो गई तो दूसरी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जानी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरी वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अगर ये आपको बंद करना है तो कहाँ से बंद कर सकते हैं, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको लाइब्रेरी पे आना है, उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे टिक किया, सेटिंग्स पे टिक किया, या आप जो ऑटो प्ले का ऑप्शन देख रहे हैं ये ऑटो प्ले पे आपको आना है। ऑटो प्ले पे आया और इसको जो है ये ऑन है तो इसको ऑफ कर देना है इस तरीके से। अगर ये ऑफ हो जाएगा तो कोई दूसरी वीडियो प्ले नहीं होगी, एक वीडियो आपने प्ले किया ऑटोमेटिकली वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, ये वॉच ऑन टीवी। वॉच ऑन टीवी पे मैंने आके टिक किया। अगर आपको जो है इसमें टीवी कनेक्ट करना है तो आपको टीवी के यूट्यूब में जाना पड़ेगा। यूट्यूब में जाने के बाद एक कोड होता है टीवी में, उसमें आपको टीवी पे जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे यूट्यूब की, आपको दिखाएगा लिंक विद टीवी करके, उसमें भी लिखा होगा उसका टीवी कोड पे, वो जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे उसमें कोड मिलेगा। वो कोड को इसमें अगर आप एंटर कर लेंगे, एंटर कोड करके टिक करके, तो आपका मोबाइल और आपका टीवी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो पाएगा, और आप आसानी के साथ मोबाइल से टीवी में वीडियोस बड़ी स्क्रीन पे आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना प्लीज़। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी करते जाना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।